सरकार की असल मज़ार है, असली कब्र अनवर है, वो समंदर के अंदर है। और यहाँ पे ये जो मज़ार शरीफ है बिल्कुल समंदर के करीब है। इस बोर्ड को जो देख रहे हैं इसे ध्यान से देखें, उसके बाद ही इसको पढ़ने के बाद आप बीच में जाएं, वरना कहीं लेने का देना ना पड़ जाए। जो शहंशाह उड़ीसा सैयद जलालुद्दीन शाह बुखारी अलैहि रहमत रिजवान, जिनका मज़ार मुकद्दस खुर्दा ज़िला में है, ये उनके मामू हैं, रिश्ते में ये उनके मामू हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इरशाद आलम कादरी। आज हम सफ़र में हैं और आपको एक खूबसूरत दरगाह की ज़ियारत करवाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारी YouTube चैनल नसीमी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, और Facebook में हमारे Facebook पेज नसीमी वर्ल्ड को फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बारिश की बूंदें टपक रही है और हम कितनी मेहनत से भीग भीग कर आपको ज़ियारत करवा रहे हैं, इसलिए हमारी मेहनतों का ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं हजरत जहानिया पीर के नाम से मशहूर इस दरगाह में, अभी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि बारिश की बूंदें हल्की हल्की बरस रही है और हम भीग भीग कर आपको ज़ियारत करवाने के लिए आए हैं। और मेरे साथ जनाब सोहेल भी हैं और फौलाद कादरी भी हैं, और हमेशा की तरह पर्दे के पीछे हमारे क्रिएटर जनाब शोएब खान नसीमी भी हैं। आप दरगाह की ज़ियारत करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी हमारे जनाब शोएब नसीमी आपको मंज़र दिखाएंगे, आप उस मंज़र का अपने आँखों से मुशाहिदा करें और इस खूबसूरत मंज़र को अपने आँखों से लें और लुत्फ़ अंगेज़ हों। अभी ये समंदर जिसके आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है और समंदर की लहरें आप देख रहे हैं कि किस तरह मोज़े मारती हुई ये लहरें बिल्कुल ज़मीन से बातें करती हुई आ रही है। और ये दिलखुश मंज़र जो बहुत ही हसीन लग रहा है, आप इस मंज़र की भी अपने आँखों से ज़ियारत कर रहे हैं और इस मंज़र से महजूज हो रहे हैं। बिल्कुल आप वीडियो के आखिर तक बने रहें और इस मंज़र को अपने आँखों से मुशाहिदा करें। तो दोस्तों, एक ज़रूरी बात है, आप इस बीच में आने के पहले इसे, इस बोर्ड को जो देख रहे हैं इसे ध्यान से देखें, उसके बाद ही इसको पढ़ने के बाद आप बीच में जाएं, वरना कहीं लेने का देना ना पड़ जाए। जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं कि बीच इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, डू नॉट स्विम विदाउट द हेल्प ऑफ लाइफगार्ड, टेक असिस्टेंस फ्रॉम लाइफगार्ड एंड डू नॉट स्विम आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त पोरे एवं लाइफगार्डों को बिना सहायता समुद्र भितर को प्रवेश करंतु नहीं। डू नॉट वेंचर इनटू द सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। मद्यपान करी समुद्र भितर को प्रवेश करंतु नहीं। प्लीज कीप द बीच क्लीन, डू नॉट लीव गार्बेज एंड यूज डस्टबिन। बेलाभूमि को स्वच्छ रखंतु, रिया आवर्जना डस्टबिन रे पकांतु। यूज ऑफ पॉलीथीन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन द बीच। बेलाभूमि रे पॉलीथीन व्यवहार करिबा निषेध। जब आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तब आपको इस बीच में कोई ख़तरा नहीं होगा और आपको लुत्फ ही लुत्फ मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ मज़े ले रहे हैं, आप भी जब आएँ आपको बहुत लुत्फ यहाँ मिलेगा।
तो जैसा कि आपने भी इस समंदर के मंज़र को देखा, जब भी आप इस बारगाह में आएँ, इस समंदर की सैर के लिए आएँ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए आते हैं और इस दरगाह के साथ साथ इस समंदर की भी सैर करते हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र, यहाँ दिलकश मंज़र आप देख रहे हैं। तो चलिए, आपने समंदर को भी देख लिया, अब चलते हैं सीधा दरगाह में। आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, इंतज़ार के लम्हात ख़त्म हुए, अभी आप बिल्कुल ज़ियारत कर रहे हैं हजरत सैयद पीर जहानिया अलैहि रहमत रिजवान के मज़ार मुक़द्दस की। ये मज़ार मुक़द्दस सूबे उड़ीसा के पूरी शहर के अस्तरंग में मौजूद है। जैसा कि हम दरगाह के बिल्कुल अंदर हैं और आप अभी अंदर की ज़ियारत कर रहे हैं, सरकार के रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं और अंदर के तमाम मनाजिर को अपने आँखों से देख रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, सरकार के तमाम वाकियात और करामात का भी आपको मुशाहिदा करवाएंगे और इस खूबसूरत मंज़र को भी आप अपनी आँखों से ज़ियारत कर रहे हैं। सरकार के फैज़ान जहाँ से भी देख रहे हैं, वहीं से आप सरकार के फैज़ान को लूटें। तो नाजरीन, जैसा कि सरकार का मुकम्मल नाम हजरत सैयद जहानिया जहांगीर अशरफ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहंशाह उड़ीसा सैयद जलालुद्दीन शाह बुखारी अलैहि रहमत रिजवान, जिनका मज़ार मुक़द्दस खुर्दा ज़िला में है, ये उनके मामू हैं, रिश्ते में ये उनके मामू हैं और बाबा बुखारी इनके भांजे हैं। ये मज़ार मुक़द्दस तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी है और इस बारगाह में तमाम तर खूबियाँ पाई जाती हैं और ये समंदर के बिल्कुल करीब हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार की असल मज़ार है, असल कब्र अनवर है, वो समंदर के अंदर है और यहाँ पे ये जो मज़ार शरीफ है बिल्कुल समंदर के करीब है। तो आप हजरात सरकार के फैज़ान को अपने आँखों से देख रहे हैं और अपने कानों से सरकार के वाकयात को मुलाहिजा कर रहे हैं। ज़ायरीन, जैसा कि सरकार की बारगाह में हर दिन सुबह से लेकर शाम तक हजारों की तादाद में लोग आते हैं, हर कौम के लोग इस बारगाह में आते हैं और सरकार के फैज़ान को लूटते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़ईफ इंसान हैं जो कि सरकार की बारगाह में यहाँ पे रोज़ाना आते हैं और अभी वो सरकार की बारगाह में हाजत में हैं। वो किस लिए यहाँ पे हैं और सरकार की बारगाह से वो क्या पाए हैं, आइए हम सीधा वहीं से पूछते हैं। मूसा अपन करो नाटक कोई भी बहुत ना सर्वेश्वर साहू। अच्छा, अपन इठी बाबा को आस्थाना रे कौन पाई छंती, आम प्रिय जे देखु छंती से मना को अपन कौन तो मो पिलाटी मु जहाँ देखु छी अच्छा बाबाଙ୍କର ସେତେ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଅଇକା ବହୁତ ତାଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କହିବାକୁ ଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ କାକଟପୁର ଅସ୍ଥର କେତେ ବାଟ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଠି ଛାଇଙ୍କି ରଖିଲି ବାବା, ମୋର ଆଣିଥିଲା ଅର୍ଷ ଅର୍ଷ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ଥରେ କିଏ ପ୍ରାୟ ପୋଷେ ଟଙ୍କା ରକ୍ତ ଯିବ ସେ ପାଇଖାନା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି, ଆମର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଅଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ, ସିଏ ଅର୍ଷକୁ ଅପରେସନ୍ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ଗାଁକୁ ପଳେଇବି, ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ଗାଁକୁ ଯିବ, ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଯିବ, ତୁମେ ଏଇଠି ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି, ନା ଜାନିଓ ସାହେବଙ୍କ ନାଁରେ ତିନିଟା ଧୂପକାଠି, ଦୁଇଟା ଧୂପକାଠି ଲଗାଅ, ସିଏ ଭଲ କରିଦେବେ। ହଉ, ଆଉ ରହିଲି ସେଇଠି ଗାଧେଇକିରି ସକାଳୁ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ସେଇଠୁ ଗଲା ସେଦିନ। ତାପରେ ମୁଁ ରାତି ବେଳବୁଡ଼ୁକୁ ପୁଣି ଧୂପକାଠି ଲଗେଇଲି, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଏମିତି ସବୁଦିନ କରେ। ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ମୋର ଏକଦମ କ୍ଲିଅର। ଯାହା
आपण सुनिले कि सरकार की बारगाह में एक खास खूबी ये है कि इस बारगाह में जो भी आता है, यहाँ तक के लोगों का यहाँ कहना है कि सरकार की बारगाह में जिस मरीज को अस्पताल से डॉक्टर रिटर्न कर देते हैं, जो लाइलाज करार दे देते हैं, सरकार की बारगाह से ऐसे बेशुमार मरीज शिफा पाते हैं। यही सरकार की खासियत है और इसलिए इस बारगाह में हर वक्त जायरीन की भीड़ इकट्ठा रहती है। सलाम आप पर ताजदार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, दुरूद आप पर शहर यार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, के करम हो करम दोनों आलम के वाले, बुला लीज चौकट पे सरकार आले, करम हो करम दोनों आलम के वाले, बुला लीज चौकट पे सरकार आले, गरीबों की परिया जाए न खाले, गरीबों की परिया जाए न खाले, हम आँखों से देखे बहारे मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, दुरूद आप पर शहर यार मदीना, सलाम ताजदार मदीना, के करम आमिना बी के आँखों के तारे, हलीमा की तन्हाइयों के सहारे, करम आमिना बी के आँखों के तारे, हलीमा की तन्हाइयों के सहारे, नबी आप हैं सारे नबियों से प्यारे, नबी आप हैं सारे नबियों से प्यारे, फिदा आप पर बारे मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातमुन नबियीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार हमारी का बंदा नवाजा कार साजा, हम सब तेरे प्यारे महबूब बंदे हुजूर सैयद पीर जहानिया अलैहि रहमत रिजवान के मज़ार मुकद्दस में हाजिर हैं। परवरदिगार हम सबों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। मौला, जितने भी नाजरीन इस वक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, परवरदिगार उन सबों की सलाम, उन सबों के हाजिरी को भी साहिब मज़ार की बारगाह में कबूल अता फरमा। परवरदिगार साहिब मज़ार के सदका हम सबों के तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला साहिब मज़ार के सदके हमें जो परेशान हार उनका जुमला परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार उन्हें शिफाए कामला वाजिल अता फरमा, जो बेरोज़गार उन्हें हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमा, जो बे औलाद उन्हें एक सवाल औलाद अता फरमा। परवरदिगारा पीर जहानिया के सदके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जहन में कुशादगी अता फरमा, इल्म में इजाफा अता फरमा, इम्तिहानात में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। मौला साहिब मजार के सदके हम सबों को हलाल रिस्क खाने खिलाने कमाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा
हम सबों की हाजिरी को इस बारगाह में कबूल अता फरमा। मौला साहिब मज़ार की खास निगाहें करम हम सबों पे नायत फरमा। परवरदिगारा इस वक्त हमारे इस ब्लॉग को जितने नाजरीन देख रहे हैं और जो भी इसे शेयर कर रहे हैं, परवरदिगारा उन सबों के दिलों के तमाम जायज़ तमन्नाओं को, नेक आरजुओं को साहिब मज़ार के सदके कबूल अता फरमा। और परवरदिगारा जो इस बारगाह में आने का अज़्म कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, परवरदिगारा उन सबों के असबाब बना दे कोई इस बारगाह तक पहुँच सके। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदके मसाजिद रख में, इल्म हक दे बाकरे इल्म हुदा के वास्ते, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर शही محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله। तो दोस्तों, आज आपने हमारे इस ब्लॉग में हजरत सैयद पीर जहानिया अलैहि रहमत रिजवान के मज़ार मुकद्दस की ज़ियारत की और उनके तमाम वाक़ियात और तफसीलात से मुलाहिजा किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ, और साथ ही साथ आपने मज़ार से लगा हुआ जो समंदर है उसको भी अपने आँखों से देखा तो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।